अब्यूज ड्रग्स केस में आर्यन खान मामले की जांच कर रहे मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखड़े की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एनसीबी नेता महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने उन पर निजी हमले और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। कई आरोपों के बीच अब समीर वानखड़े के खिलाफ इंक्वायरी का आदेश भी दिया गया था। जांच एजेंसियों को तलब करने के बाद सफाई देने के लिए उन्हें दिल्ली पहुंचाया गया। इस मुश्किल घड़ी में अब समीर वानखड़े की पत्नी और एक्ट्रेस क्रांति रेडकर सबके सामने आई है। जी हां, क्रांति रेडकर ने सभी आरोपों का जवाब देते हुए अपनी शादी की तस्वीरों को शेयर किया है और अपनी शादी को लेकर उठ रहे सवालों पर पूरी सच्चाई बताई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए और उनके परिवार को भी इस मामले में घसीटा। समीर वानखड़े पर मलिक ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं बल्कि यहां तक कि समीर वानखड़े की पहली शादी को लेकर भी सवाल उठाए गए। तमाम आरोपों को झूठा बताते हुए पत्नी क्रांति रेडकर वानखड़े अपने पति के सपोर्ट में आए। वानखड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की और साथ ही लिखा कि जो भी आरोप मेरे पति समीर वानखड़े पर लगे हैं वो सारे गलत हैं। मैं और मेरे पति समीर हम दोनों ही जन्म हिंदुस्तान में हैं। हमने कभी किसी और धर्म को धर्मांतरण नहीं किया है, सभी धर्मों का हमने सम्मान किया है। समीर के पिता ने भी मेरी कास्ट सास से शादी की है जो अब नहीं है। समीर की पूर्व शादी विशेष विवाह अधिनियम के तहत हुई थी। 2016 में तलाक हो गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 2017 में हमारा विवाह हुआ था। पत्नी क्रांति रेडकर वानखड़े ने कहा कि समीर वानखड़े के पूरे गांव में सर्टिफिकेट देख लीजिए, उनके पूरे वानखड़े परिवार के सर्टिफिकेट देख लीजिए। एक इंसान झूठा सर्टिफिकेट बनवा सकता है, पूरा गाँव थोड़ी नहीं बनवा सकता सर्टिफिकेट। ये सारे दावे झूठे हैं और अगर उनके पास ऐसा कोई भी सबूत है तो वो कोर्ट में पेश करे, न्याय जरूर मिलेगा। ट्विटर पर कोई भी कुछ भी लिख सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बात सच हो। तो ये है पूरी खबर समीर वानखड़े की पत्नी क्रांति रेडकर को लेकर, जहां पर उन्होंने अपने पति के सपोर्ट में आकर अपने पति का बचाव किया। नेक्स्ट 9 लाइफ की न्यूज़।